नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। मुस्लिम समाज का जो वोटर है, क्या 2027 के अंदर बसपा की तरफ रुख करेगा या नहीं करेगा? उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर लगातार आकाश आनंद भी ट्वीट कर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं। बहन जी ने भी अभी, मैं आज भी पढ़ रहा था कि अब वो गांव गांव में जो कैडर कैंप है, बीएसपी का जो कैडर कैंप है, जिससे कि विचारधारा आप समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को जागृत कर सकें, क्योंकि उनका सीधा सा मानना है कि अब तक हम जो भी चुनाव हारे उस पर तमाम खामियां उन्होंने खुद भी अपने ऊपर देखी कि हमें इतनी खामियां हैं और उन खामियों को किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है। ये मान के चलें कि आप तो सही कह रहे हैं कि 2027 एक बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा या टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि हमने 2024 का चुनाव देख चुके हैं। अभी हाल में हरियाणा का चुनाव देखा और उसके साथ साथ हमने लोकसभा चुनाव भी देखा कि बहुजन समाज पार्टी अभी तक कमबैक नहीं कर पा रही है। लेकिन आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी दी गई है, और उसके बाद उन्होंने एक कॉर्पोरेट मीडिया को एक इंटरव्यू में कहा था कि आप अब 2027 में क्या क्या करेंगे, क्या आप जो आप बात बोल रहे हैं कि जमीन पर वो नजर आएगी, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो रणनीति है, जो हमारा फाउंडेशन है, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था सुरेंद्र जी, फाउंडेशन यानी कि जमीनी आधार, उस पर हम अभी से ही हमने काम करना की शुरुआत कर दी है। क्योंकि जो फाउंडेशन, हम और आप लगातार अपने प्रोग्राम्स में बात भी करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जहां एक समय में तकरीबन 30% वोट था, आप भी जानते हैं जब बहन जी ने 2007 में सरकार बनाई थी 2012 तक, तो 30% उस बहन जी का, बहुजन समाज पार्टी का वोट था, और वो धीरे धीरे इस समय अगर बात करें लोकसभा चुनाव की बात करें तो तकरीबन इस समय 9-10% वहां पर वोटो परसेंट रह गया है। तो बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने जब उप वर्गीकरण के बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अब आप सड़कों पर निकले, मोर्चा संभालें और इस मुद्दे पर खुलकर विरोध करें, जो कार्यकर्ता जो हर बार सवाल उठा रहा था कि बहन जी खुलकर क्यों नहीं बोल रही है, बहन जी सामने क्यों नहीं आ रही है, मैं पूरी भूमिका बता रहा हूं उसकी, कि जो कार्यकर्ता वो ये चाह रहा था कि हम जब तक बहन जी खुलकर नहीं बोलेंगी, आप इस मंच पर खुलकर नहीं अपनी स्टेटमेंट नहीं देंगी, तो जो कार्यकर्ताओं में जो जोश होता है, विचारात्मक जो जोश होता है, वो नहीं आ पा रहा था। तो बहन जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार, अभी हरिजन शब्द पर उन्होंने जो तीखी टिप्पणी की, विरोध प्रदर्शन किया, उससे साफ जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी, और अभी कैडर कैंप की बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो गया है कि जो हमारा वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है उसको अब हम कमबैक करेंगे और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें एक बहुत अच्छा परिणाम आएगा। आज की तारीख में एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि हम और बहुजन समाज पार्टी के आधिकारिक तौर पर हम उसके कार्यकर्ता या उसके पदाधिकारी या उसके हम किसी भी तरह की हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है, हम एक पत्रकार हैं तो बहुजन राजनीति को समझते हैं। तो आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि बहन जी सरकार बना लेंगी, लेकिन जो इस समय उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारी और जो फाउंडेशन की बात कही है, उससे लग रहा है कि 2027 में बेहतर बेहतर उनका एक रास्ता हो सकता है। आपने कहा पीडीए का, देखिए लोकसभा चुनाव में जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी हाथ में संविधान, बाबा साहब की तस्वीर लेकर वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, लेकिन जो पीडीए का उन्होंने जो नारा दिया वो कहीं ना कहीं इसीलिए कमजोर है, क्योंकि वो उस समाज, जिस समाज का उन्होंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये जो नारा दिया उसमें जो सबसे बड़ा तबका है वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता है। आज आपने कहा कि जो मुस्लिम समाज है वो अपनी राजनीति के लिए अखिलेश को वोट करता है, लेकिन आज वो भी सवाल उठा रहा है अखिलेश पर, क्योंकि अभी आपने बहराइच का आपने मुद्दा देखा, बहराइच पे जो हमले हुए, बहराइच पर किस तरह से मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया, यूपी में लगातार टारगेट किया जा रहा है उनकी बिल्डिंग, उनके मकान, उनके उन पर जो टारगेट किया जा रहा है योगी सरकार द्वारा या मोदी सरकार द्वारा, देश में और भी अन्य स्थानों पर जो मुस्लिम समाज पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव के जो स्टेटमेंट नहीं आ पा रहे हैं, और बहन जी लगातार उस पर ट्वीट भी कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उन्हें मालूम है कि अगर अब हम जो इस समाज जो इसको लगातार जिस पर निशाना साधा जा रहा है, इसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए अगर हम नहीं बोले तो ये भारत का सेकंड सिटीजन बन जाएगा, जबकि सेकंड सिटीजन नाम की कोई शब्दावली नहीं होती,
क्योंकि भारत का सभी एक समान मैं और आपका जो जो एक नागरिकता है, चाहे राष्ट्रपति की नागरिकता हो चाहे आपकी और मेरी, सबकी एक समान नागरिकता है, लेकिन एक वैचारिक ताकत ऐसी है जो देश में जो राज कर रही है वो मुस्लिम समाज को खास तौर पर उसको सेकंड सिटीजनशिप देना चाहती है कि आप आपकी दोहरी नागरिकता, आपकी आप दूसरे दर्जे के नागरिक रहेंगे। तो इसको बचाने के लिए बहन जी जो लगातार जो बात बोल रही है उससे लग रहा है कि 2027 में बीएसपी की तरफ मुस्लिम समाज मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आपने 2007 में आपने देखा कि बढ़ चढ़कर उन्होंने वोट किया, लेकिन होता यह है कि बीएसपी लड़ती नजर आएगी, लड़ती आप भी जानते हैं राजनीति में जो वर्ग जो राजनीतिक पार्टी लड़ती हुई नजर आती है और जिसको लगता है हम जैसे तमाम जो वोटर है या पत्रकार है उनको लगता है कि ये फला पार्टी लड़ रही है और ये मुकाबला कर सकती है और ये मुख्य धारा में आ सकती है, सत्ता में आ सकती है, स्वाभाविक बात है कि उसके साथ वो समाज भी जुड़ जाता है जो समाज उससे कल तक किनारा कर रहा था। आपने 2007 में देखा कि 2007 में दो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई थी, सपा की और बसपा की। जो बीजेपी था उसमें कहीं गेम में नहीं थी, कांग्रेस तो आज भी गेम में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज बिल्कुल कमबैक करे, वो बिल्कुल इस पे बहुजन समाज पार्टी के साथ उसका जुड़ने के, मैं कह रहा हूं आज की तारीख में एक बहुत बड़ा वो रास्ता निकालेगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप किस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।